Yo my lovelies, welcome back to my channel and welcome back to this OG background जहाँ मैं पता नहीं कितने टाइम बाद बैठी हूँ. लिटरली मैं इस बैकग्राउंड पे बैठ के कोई वीडियो नहीं बनाई इतने टाइम से, बट हियर आई एम. एंड एज यू ऑल नो कि अच्छी खासी सर्दी पड़ चुकी है एंड हमारे सबके ठंड वाले कपड़े बाहर आ चुके हैं, राइट? लेकिन पर्सनली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मुझे कभी कभी गर्मी के कपड़े भी उनसे मिक्स मैच करके पहनने हैं, बिकॉज उसका एक अलग ही मजा होता है. ओके, सो टुडे वी आर गोना विंटराइज आवर समर आउटफिट्स एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ. तो चलिए, इससे क्या होता है ना, हमारे जो समर आउटफिट्स हैं उनका हम बहुत अच्छा खासा यूज कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी. स्पेगेटी टॉप्स और टैंक टॉप्स हमें पहनना बहुत पसंद आता है, लेकिन डेफिनेटली ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि हम ठंड में इन्हें पहने. सो हियर आई हैव गॉन वेरी एक्सपेरिमेंटल एंड अपने कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर गई हूँ मैं. फर्स्ट लुक ही मेरा काफी ज्यादा डिफरेंट है. सो मेरा ना ये बहुत ही क्यूट सा स्पेगेटी टॉप है जिसपे फ्रिल टाइप की डिटेल कुछ लगी हुई है ऊपर नेक पे, एंड इसका लुक मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छा रहा है बिकॉज मैंने इसे किसी चीज के ऊपर पहना है. सो उसकी वो डिटेल है ना और उभर के आ रही है, वो बहुत ही क्यूट लग रहा है. एंड ब्लैक हाईनेक के साथ मैच करने के लिए मैंने पहने हैं ब्लैक बूट्स जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. एंड मुझे अभी भी ना थोड़ा सा वो लुक व्हाइट व्हाइट लग रहा था, तो उसको थोड़ा और ज्यादा ब्लैक टोन से जोड़ने के लिए आई हैव एडेड दिस क्यूट प्रिटी बैग छोटा सा. सो उससे क्या थोड़ा सा बैलेंस बना होना जरूरी है. पूरा एक टाइप का आउटफिट भी, मतलब पूरा व्हाइट तो मेरे ऊपर ऑनेस्टली नहीं जमता. सो आई हैव एडेड ब्लैक डिटेल्स जिससे थोड़ा सा ना बैलेंस बना हुआ है. एंड ऑल्सो टू लुक मोर क्यूटर आई हैव एडेड दिस कैप जिसके ऊपर फर लगा हुआ है. इट इज सो सो प्रिटी एंड इससे पूरा लुक जो है कम्प्लीट हो रहा है, पूरा एक प्रॉपर विंटर लुक लग रहा है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यार स्ट्रैपी टॉप्स तो ठीक है, बट जो टैंक टॉप्स होते हैं जो पीछे से इस टाइप के होते हैं, उनको आप कैसे स्टाइल कर सकते हो? बिकॉज उनको किसी चीज के ऊपर पहनना इज लाइक टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड फैशन, बट नहीं, उसको हम अंदर डेफिनेटली पहन सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे पहना है ये रेड टैंक टॉप जिसके आगे ना बहुत प्यारी सी ट्रायंगल की डिटेलिंग बनी हुई है एंड ये रेड एकदम चटाक वाला कलर है. इसको मैंने पूरे लेदर वाइप के साथ पहना है एंड इसके साथ मैंने मैच करने के लिए ब्लैक ही हील्स पहनी है. पहले मैंने बूट्स पहने थे पर वो उतने नहीं जम रहे थे बिकॉज जो पैंट्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी कम है, लाइक इट्स एंकल लेंथ. सो हील्स उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यारी जा रही है एंड एकदम मुझे ना वैसी करीना कपूर वाली पू वाली वाइब आ रही है इसमें से. एंड इस एलिमेंट को और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया एक फर वाला रेड कलर का बैग जिसकी स्लिंग थोड़ी सी छोटी होती तो ज्यादा अच्छा लगता बिकॉज वो शोल्डर बैग वाली वाइब आती तो ज्यादा सही रहता. बट देन ऑल्सो इट्स सो प्रिटी, जैसा है वैसा भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे. एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट, नहीं दिस इज माई सेकेंड फेवरेट लुक. मेरा जो मोस्ट फेवरेट लुक है उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा. नेक्स्ट हम उठाएंगे समर का सबसे बेसिक आइटम जो कि होता है एक ड्रेस. सो हेयर आई वोर दिस ड्रेस ग्रीन, पिस्ता ग्रीन टाइप की, बहुत ही प्रिटी. एक्चुअली इसको मैं ना कुर्ते की तरह भी पहनती हूँ, लाइक नीचे से ऐसे पैंट्स टाइप में, मतलब मल्टीटास्किंग कर लेते हैं हम कपड़ों के साथ. सो अपन यही सीख रहे हैं आज के लेसन में. तो इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत एफर्टलेस लुक क्रिएट किया. मैंने इसके ऊपर एक वुलन सा टॉप पहन लिया. आप उसको थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हो, लाइक नीचे से ना इसे फोल्ड करके अंदर से पिन लगा दो तो उन्हें क्रॉप्ड वाला इफेक्ट देगा. नीचे से बूट्स पहन लिए, ऊपर से बीनी पहन ली. बीनी पहनने से ना वैसे भी ना एक ठंडा वाला लुक आ जाता है, विंटर वाला ऑलरेडी, एंड पूरा लुक है ना कम्प्लीट और क्यूट टाइप का सब हो गया. सो आई जस्ट लव्ड दिस लुक, बहुत एफर्टलेस दिख भी रहा है प्लस इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं. आप किसी भी ड्रेस के साथ ऐसा कर सकते हो, उसके ऊपर सिर्फ है ना एक अच्छा सा टॉप डाल दो वुलन का, या अगर ज्यादा फिटेड ड्रेस है तो आप हाईनेक भी पहन सकते हो, नहीं दिखेगी उसके अंदर आई गेस. एंड यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट विथ योर क्लोथ्स एज यू वॉन्ट एंड जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे पहन के यू कैन ऑल्सो गो आउट. और अब हम ऐसी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो लोगों के सोच के बाहर जाती है. लाइक विंटर में आप शॉर्ट्स को तो इमेजिन कर ही नहीं सकते, लाइक आई डोंट थिंक. स्कर्ट्स फिर भी इंसान कर लेता है लेकिन शॉर्ट्स तो इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता विंटर्स में, लेकिन हमने उससे भी कुछ छेड़छाड़ करी है. सो यहाँ पे मैंने अपने शॉर्ट्स को पहना है एक बहुत ही प्यारे पॉपी ऑरेंज कलर के स्वेटर से. लाइक देखो, या तो ना आप मेरे को देखोगे कि मैं न्यूट्रल्स में चली जाती हूँ,
या तो मैं एकदम पॉप ऑफ कलर में चली जाती हूँ, पर उसको भी स्टाइल आपको थोड़े बेसिक कलर्स के साथ ही करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स लाइक यू नो द बैलेंस ऑफ क्लोथ्स. सो यहाँ पे ना मैंने उसे बहुत ही बड़े ओवरसाइज ऑरेंज स्वेटर के साथ पेयर किया, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे प्रिटी लग रहा है, और नीचे से ठंड ना लगे इसीलिए मैंने पहन लिए स्टॉकिंग्स. आजकल पता है आपने देखे होंगे अमेजोन पे मिलते हैं, वो दिखते बाहर से स्टॉकिंग्स है, बट जब आप पहनते हो अंदर से उसमें फ्लीस लाइनिंग लगी होती है, जो एक्चुअल में काफी ज्यादा वार्म होती है. मैं भी सोच रही हूँ एक मंगवाने का, बिकॉज ड्रेसेस और शॉर्ट्स के साथ आप इजीली उनको पेयर अप कर सकते हो. एंड उसके ऊपर मैंने और थाई हाई बूट्स पहन लिए, तो बिल्कुल ठंड लगने का कोई चांस नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट लुक एंड माई मोस्ट फेवरेट शॉर्ट्स के बाद क्या हम सोच सकते हैं, वो है स्कर्ट. देखो यार, है भले लेदर का स्कर्ट, लेकिन स्कर्ट को आप एज इट इज नहीं पहन सकते हो ठंड में, ये फैक्ट है. सो मैंने इसको बहुत ही प्रिटी तरीके से स्टाइल किया है. आई हैव स्टाइल्ड इट विथ माई बॉडी सूट, जो कि हाई कट है, सो उसके कट्स एंड ऑल बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगते हैं. एंड इसका कपड़ा ना बॉडी सूट का काफी मोटा और वॉर्म है, लेकिन कट्स के चक्कर में और इसका बैग भी थोड़ा डीप है, उस चक्कर में डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसमें ठंड तो लगेगी. सो मैं कैरी कर रही हूँ अपना एक मोटा सा पफर जैकेट, जो कि मैं मार्केट से लाई, एंड यू वुड नॉट बिलीव इट, मैं 500 550 के करीब इसको लेके आई थी. सीरियसली आज अगर आप जाओगे कहीं भी अच्छे ब्रांड में, आपको 4-5 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा, बट मैं इसको पूरा चेक करके लाई थी, एंड इट्स नॉट लुकिंग चीप एट ऑल. लाइक ऑब्वियसली वो ब्रांड से ही कहीं से आया होता है, मैंने पूरा चेक किया, एक डिफेक्ट नहीं था, इट वॉज सो हाई क्वालिटी, मैंने कहा यार ले लो ये तो. एंड उसके साथ मैंने नीचे वही स्टॉकिंग्स पहने हुए हैं एंड बूट्स पहने, बूट्स को मैंने खाली थोड़ा सा नीचे कर दिया है, तो थोड़ा सा ऐसे लुक चेंज सा लग रहा है. ऊपर आप कैप बीनी कुछ भी पहन सकते हो, एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट. लाइक इसको मैं एक्चुअली कहीं बाहर पहन के जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कोई अच्छी सी पार्टी वार्टी होगी तो डेफिनेटली आई एम गोना वेयर दिस. एंड या विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपको इससे कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी, आप मेरे से रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार समर के आउटफिट्स कभी कभी पहन लेने चाहिए विंटर में. सो इस वीडियो को लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.